मैडम जी पहुंच गए, बाहर आ जाइए। एक मिनट, कमबख्तो, नाच पीटो, हराम खोरो, हाँ, ऐसी डोली बनाई है कमबख्तो ने, चारों तरफ फट्टे लगा दिए, बैठने के लिए कुछ लगाया ही जमीन पे। जहाँ से डोली उठाई थी वहाँ से भागती भागती आ रही उनके पीछे, रुको। ठंडाई तुम आ गई। अब यहाँ भाभी जी नमस्ते। अच्छा भाभी नमस्ते देवर जी। एक मिनट, काय की नमस्ते, कुछ शगुन वगन बनता है ना तो दो शगुन तो दो। यार भाभी कमाल कर रही है, आपको मैंने अपना लंगोटिया यार दे दिया और आपको क्या चाहिए। लंगोटिया यार दे दिया, यूं कहिए देवर जी लंगोटी जैसा यार दे दिया, इससे अच्छा होता कि आप मुझे ना तांबे का लोटा दे देते, जिंदगी भर एहसान मानती मैं। ओए चंदूद्रा, तेरी सच्ची में शादी हुई कि तूने किसी का उधार देना था, जबरदस्ती टिका गया वो। देवर जी मजाक कर रहे हो, हंसा दिया आपने। अरे पता है ये भी बड़ा अच्छा हंसाते हैं। पता है देवर जी, सुहागरात वाले दिन ना सारी रात मुझे चुटकुले सुनाते रहे। नहीं तो ऐसी बीवी है तो आदमी चुटकुले सुनाएगा। जहाँ कॉमेडी करनी वहाँ की नहीं है, सुहागरात में कॉमेडी करते रहा, लाना था तेरे पे बे। पर हिम्मत कैसे हुई मेरे डियर हस्बैंड की मजाक उड़ाने की। हाँ कभी केतली जैसा मुंह, कभी फटी चाय जैसा मुंह। अब बेचारे रात को बचपन में एक बार गिर पड़े बेड से, मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो इसे मजाक उड़ाने वाली क्या बात है दुनिया के सामने, ये कैसे दोस्त हैं। मेरी बात सुनो। हाँ? ये बचपन की तुम्हें बातें कैसे याद रह गई हैं। तुम्हारी माँ ने बताई, कह रही थी बहू इसे ना बिस्तर के बीच में ही सुलाना, साइड में सुलाओगे ना गिर जाएगा ये। इसीलिए रात में एक तरफ मैं सोती हूँ बिस्तर पे, एक तरफ बच्चे को सुलाना पड़ता है, और इसी चक्कर में देवर जी बच्चा पैदा करना पड़ा इतना जल्दी। तो आपको क्या बच्चा पैदा करने की जरूरत थी, आप तकिया ले लेती। 400 रुपए का आता है तकिया, बच्चा तो फ्री में पैदा हो गया। बच्चा कहाँ गया? अरे हाँ बच्चा याद आया, कहाँ है मेरा लाल, कहाँ है मेरा बच्चा, बताओ कहाँ है। अरे वो बच्चा मेरे घर में खेलने गया, मैं भेजता हूँ अभी। घर में बस तुम खेलते रहे, बच्चा पड़ोस के घर खेल रहा है, आने दो, एक एक मिनट का हिसाब लूंगी आज। कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ है? मम्मी आ गई। ओ मेरा लाल, बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत तेज, मेरी पहुंच से भी आगे निकल गई। क्या? एक मिनट, ये सिखाया बच्चे को, देखा बच्चा बिगड़ गया तुम्हारे साथ रह के। हाँ याद है, मैंने घर में टीवी पे देखा था ये ऐश्वर्या को माँ बुला रहा था, मम्मी बुला रहा था तू उसे। अरे वो तो पापा ने 50 रुपए दिए थे इसलिए बोला। 50 रुपए दिए थे क्यों जी? मेरी सुहागरात ने मुंह दिखाई तो 12 रुपए दी थी। वो तो घूंघट उठाने से पहले 12 रुपए दिए थे ना, जैसे मैंने शक्ल की मैंने तो कंगन भी उतार लिए थे। ये बताओ सीधे कि ऐश्वर्या को मम्मी क्यों बुलवाया? ऐसे तो अभिषेक को भी पापा बोला था इसने। अरे वो तो रिजर्व करती हूँ मैं। अच्छा For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.